हाय करो, हाय हाय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने चैनल नेहा शर्मा रियल ब्लॉग में। और ये वीडियो 30 मई का है, जब हम लोग दिल्ली छोड़कर के बिहार आ रहे थे तब का वीडियो है। काफ़ी लेट जा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ गांव पे शादी में, तो शादी ब्याह के घर में टाइम कम मिलता है, इसी वजह से एडिट नहीं कर पा रही हूँ तो अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और ये रास्ते का मैं थोड़ा सा जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ का थोड़ा सा मैं बना ली थी। और अब ये अक्षरधाम मंदिर है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। मैं सोची थी पहले ही कि आप लोगों को अक्षरधाम मंदिर दिखाऊंगी, घूमने जाऊंगी, तो अंदर से काफ़ी सुंदर मंदिर, काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। हो सकता है अधिकतर लोग घूम भी चुके होंगे, मगर लॉकडाउन की वजह से घुमा ही नहीं पाई। और ये देखिए आगे हम लोग नई दिल्ली स्टेशन। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं स्टेशन पे क्या होगा, जांच होगा या कुछ भी, मगर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप भी सफ़र करना चाहते हैं तो सारे मन का जो भय है वो निकाल दीजिए, कोई भी ऐसी बात नहीं है। बस बाहर एक सैनिटाइज करने के लिए मशीन लगा हुआ है जिसमें आपका बैग सैनिटाइज हो जाएगा। एक बैग का प्राइस है 10 रुपया बस, और कुछ भी टेंशन नहीं है। जैसे आप रेगुलर आते हैं जाते हैं उसी तरीके से, बस मास्क लगाए रखिए, अपना सेफ्टी खुद कर लीजिए, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरा भी सारा मन का डर खत्म हो गया था यहाँ आने के बाद। और भीड़ काफ़ी कम है पहले के मुताबिक, तो भीड़ काफ़ी कम है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी पहले। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। और हम लोग ट्रेन में भी बैठ चुके थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा ट्रेनें तो चल नहीं रही हैं, जो जो हैं मेन वही चल रही हैं, इसीलिए सारी ट्रेनें जो चल रही हैं एकदम टाइम से ही आ जा रही हैं। जैसे पहले अधिकतर समय लेट ही कर देता था, टाइम तब की आती थी कब, मगर अभी मुझे अच्छा भी लगा कि टाइम से ट्रेन आ गई, नहीं तो स्टेशन का इंतज़ार करना पड़ता है काफ़ी देर तक। और मैं आई हूँ शादी में, तो आप लोगों को अपने फैमिली से भी मिलाऊँगी, और शादी की जितने भी प्रोग्राम होता है मैं धीरे धीरे करके सबको दिखा, मतलब सारा वीडियो अपलोड करूँगी। बस थोड़ा लेट होगा मगर होगा, वीडियो जाएगा। तो आप भी बिहारी तरीके से हम लोगों के यहाँ कैसे शादी ब्याह होता है देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं, कोई डाटा नहीं लगेगा, और मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरा गला भी ख़राब हो चुका है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए दिव्यांशु कितनी मस्ती से कोल्ड ड्रिंक पी रहा है विंडो सीट के लिए। मेरे यहाँ हंगामा मच जाता है जब हम लोग आते जाते हैं तो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And I... लखनऊ स्टेशन का सीन है, 9 बजे पहुंच गए थे हम लोग, तो भी थोड़ा देखते जाइए। जाने
क्या और ये देखिए शाम हो चुका था, काफी शाम हो चुका था और इतने पेड़ पौधे और खेत देख करके मेरा मन कंट्रोल नहीं होता, मैं वीडियो बनाते जा रही थी और तो काफी सारा बनाई थी मगर एडिट करते समय सारा जो मुझे अच्छा लगा वही मैं रखी, क्योंकि वीडियो काफी लंबा करने से कोई फायदा तो है नहीं, आप लोग भी बोर हो जाइएगा इसी वजह से। तो आप लोग भी देखिए कितना सुंदर व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है गाँव की, और अपने गाँव की तो बात ही अलग होती है। तो देखिए और इंजॉय कीजिए, ये शाम का सीन है और अब ये सीन सुबह 3:30 बजे का है, क्योंकि मैं और मेरी बेटी तीनों हम लोग 2 बजे से ही जग गए थे। दीपिका इंतज़ार कर रही थी कि कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, तो मैं वीडियो बनाते जाते कितना कुहासा भरा हुआ, ऐसा लग रहा जैसे कि ठंडी के सीजन में जैसे होता है उसी तरीके से एकदम काफ़ी कुहासा भरा हुआ था। और अभी सूर्य भगवान के दर्शन देख चुके हैं, वो भी 6 बजे दर्शन दिए थे, फिर भी लग रहा है कितना कुहासा भरा हुआ, आप खुद ही देख सकते हैं। और ये सोन मंदिर का है, सॉरी सोन मंदिर नहीं है, सोन नदी है, हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, काफ़ी बड़ी मंदिर है। और ये ये अंग्रेजों के ज़माने का नदी है, मैं बार बार मंदिर बोल दे रही हूँ उसके लिए इग्नोर मारिएगा। और हम लोग अब अपने गांव का जो स्टेशन है मेरे ससुराल से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है बिहटा स्टेशन, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, ऐसे तो अभी मेरा वीडियो काफ़ी लोग नहीं देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, तो जैसे जैसे देखना अगर शुरू करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि बिहटा कहाँ है पटना कहाँ है, जो कि पटना के बगल में ही ज़्यादा दूर नहीं है। पटना मतलब कि हमारा राज पड़ता है, बिहार की राजधानी पटना है, वहीं पड़ता है। तो ये बिहटा है, छोटा सा स्टेशन है मगर अच्छा है, और सबसे मेन बात यहीं से ट्रेन मिल जाती है, हम लोगों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो ये बिहटा स्टेशन है, आप लोग भी देख लीजिए और फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।